हेलो वेलकम बैक, आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनीत ब्लॉग्स में। तो इस टाइम मैं अभी तलेगांव में हूं और हमारे साथ है अनुराग भाई जो कि यूपी से। इधर आ जाओ, थोड़ा साउंड अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हमारे पीछे देख सकते हो इंडस्ट्रियल इलाका है वो साइड में, तो उधर है हुंडई कंपनी जहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। तो हमारे साथ अभी दो लोग हैं, ये क्या नाम है आपका? शिवनाथ, यूपी से हैं, और ये भी यूपी से हैं। तो ये हुंडई में जॉब करते हैं। तो हुंडई में क्या काम करते हैं आप? हुंडई में मैं अभी बिल्डर लाइन से हूँ। अच्छा, और कंपनी का सेफ्टी रूल्स और भी कई व्यवस्था है, काफ़ी अच्छा है। मतलब काम क्या करते हो वहाँ पे? काम स्ट्रक्चर क्या चल रहा है अभी बिल्डर लाइन में, हम लोगों का बिल्डिंग लाइन में जो काम मिलता है वो हम लोग करते हैं। अच्छा, हमारा सुपरवाइजर इंजीनियर जो बताता है, हाँ, उस हिसाब से हम लोगों को करना पड़ता है। तो सैलरी कितना है? सैलरी सर 8 घंटे, हमारा सैलरी है 18,000 रुपये 8 घंटा ड्यूटी है पर डे, और OT मिलता है प्लस ओवर नाइट मिलता है। OT का कितना, मतलब पर आवर के हिसाब से पेमेंट होगा ना? 100 रुपये घंटे। 100 रुपये घंटा जी। और रहने खाने का क्या फैसिलिटी? रहने खाने का कंपनी रूम देती है, कंपनी लेटरिन बाथरूम सब कुछ देती है, बस आप अपना। मतलब ये देखो, ये यहाँ पे जो ये सारे रूम्स हैं, ये मतलब कॉन्ट्रेक्टर ने इनको दिया हुआ है। मतलब आप हुंडई के अंदर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ज्वाइन करोगे, अभी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। तो यहाँ पे भी देखो कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, नया नया रूम बनने वाले हैं क्योंकि अभी स्टार्टिंग पीरियड है और बहुत सारे लोग आने वाले हैं। तो जब ये कंपनी चालू हो जाएगी तो हज़ारों लोग जॉब पे जाएंगे, तो उनके लिए रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो कंपनी पीछे है तो आसपास में ही लोग रूम ढूंढेंगे। तो ये जो रूम है कॉन्ट्रैक्टर के तरफ से, मतलब जिस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ये काम कर रहे हैं उन्होंने ये रूम दिलाया। तो मैं अभी इनको जब छोड़ने के लिए आ रहा था तो पीछे लाइन सड़क के किनारे किनारे भी बहुत सारे रूम हैं, मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा। तो रहना कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू है और खाना आपका खुद है? हाँ, तो खाना अपना है। तो आपको कितना खर्चा हो जाता होगा यहाँ पे खाने में? सर हफ्ते का राशन हमारा एक लोग पे पड़ जाता है तकरीबन 600 से 700 रुपये का। महीने का? हफ्ते का। हफ्ते का मतलब महीने का आपको मतलब 2,000 रुपये खा ले? 3,000 रुपये। आप वेजिटेरियन है, नॉन वेज है, हाँ। ये सब लेके आपका 3,000 रुपये बजट बन जाएगा खाने का, बाकी आपका कुछ नहीं लगने वाला है। मतलब यदि आप मतलब मिनिमम एक महीना काम करते हो तो कितना सैलरी उठा सकते हो? 22,000 से 25,000 रुपये एक हेल्पर का ये सैलरी हो जाएगा। कितने घंटे काम करने पर? 8 घंटे प्लस 2 घंटे OT मारेगा तो 25,000 रुपये उसके फिक्स। हाँ, मतलब यदि कोई भी आता है तो मतलब 20-22 हज़ार रुपये उठा सकते हैं। और रहने के लिए जो रूम है वो कंपनी के तरफ से है? फ्री है। फ्री है मतलब कंपनी नहीं, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू है। कंपनी नहीं दे रही, कॉन्ट्रैक्टर दे रही, पता नहीं क्या डील है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर देती है। बाकी आपको आने जाने की गाड़ी सुविधा सब कंपनी देती, कॉन्ट्रैक्टर ही देता। तो एक रूम में कितने लोग रहते हो? 5 लोग। 5 लोग जी। तो यदि मतलब कोई भी यहाँ पे जॉब के लिए आना चाहता हो तो मतलब कैसे मतलब जॉब पकड़ेगा? सर इस समय बम्पर ऑफर है इस कंपनी का, सुपरवाइजर हो, इंजीनियर हो, वर्कर हो, वेल्डर हो, हेल्पर हो, जो कोई भी हो सबके लिए काम है। हाँ। बस उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ना पड़ेगा उसके थ्रू, मतलब ज्वाइन करना पड़े, मतलब घूमते घूमते आपको तलेगांव आना है और तलेगांव में आपको हुंडई कंपनी के पास जाना है। बिल्कुल। और वहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्टर मिले उसके मतलब थ्रू ज्वाइन हो जाना है। ज्वाइन हो जाइए, समझिए काम को, काम क्या है, अपने को आता क्या है करना, मतलब जिन मतलब बहुत सारा काम है, हेल्पर का, वेल्डर का, सिक्योरिटी गार्ड का, सब काम, मतलब जो भी आपको मतलब लेबर वर्क आता है वो सब काम आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो मैं उनका रूम दिखाना चाहोगे? हाँ बिल्कुल। एक रूम दिखा देते हैं आपको। ये सेफ्टी सू है और इनका ये रूम है, रूम देती है इसमें अपना व्यवस्था जो कुछ भी आप बना ले, बेड ला के, मतलब यहाँ पे 5 लोग रहते हैं जी।
और ये खाना बन रहा है। अपने हिसाब से लोग सेटलमेंट अपना बनाते हैं, रूम में कैसे क्या करना है, कैसे रहना है। क्या बन क्या रहा है अभी? तो बन रहा है सर बेसन का चिल्का। जी ये अपना राशन वासन जमा कर लिए लोग। चलो ऊपर फैन लगा हुआ है।